हेलो फ्रेंड्स, वीके ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले ट्यूटोरियल आपसे छूटे ना। आज का ऑब्जेक्टिव है 230 वोल्ट एसी एलडीआर स्विच, जो एक डार्क डिटेक्टर स्विच है। तो इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ये सर्किट BT136 ट्रैक यूज करके बनाया गया है। इसमें जो यूज्ड कंपोनेंट हैं वो भी यहाँ पे आपको उसके वैल्यू के साथ दिखाया गया है। C2 और R1 लाइन फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। C2 एक X कैपेसिटर है, जो एक फिल्म कैपेसिटर है। L1 लाइट है, इसके जगह पे आप CFL बल्ब या जो भी लोड अवेलेबल है आपके पास वो यूज कर सकते हैं। डायक, ये ट्रैक BT136 को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये LDR है। इसके पहले मेरे जो भी वीडियो हैं LDR बेस्ड, उसमें एक एक्सटर्नल DC सोर्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन इस सर्किट में किसी एक्सटर्नल DC सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। ये 230 वोल्ट AC से ही चलेगा। अगर इसको आप एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए सिर्फ यूज करना चाहते हैं तो R1 और C2 के बिना भी आप इस सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं। ये सर्किट बिल्कुल आसान है और इसमें कंपोनेंट काउंट भी लो है। इस सर्किट को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाई वोल्टेज का आइसोलेशन नहीं है, इसलिए इस सर्किट को यूज करते समय सावधानी बरतें। अगर इस सर्किट को आप अपने यूज के लिए बना रहे हैं तो ये बेटर होगा कि यहाँ पे एक आप फ्यूज यूज करें। अभी जो सर्किट हम डिस्कस कर रहे थे उसको हमने इस ब्रेडबोर्ड पे वायर कर दिया है। ये जो दोनों वायर आप देख रहे हैं, ये दोनों वायर 230 वोल्ट AC सप्लाई का है। और ये X कैपेसिटर है, ये लाइन फिल्टर के लिए यूज किया गया है। और ये जो दोनों ब्लू वायर हैं, ये CFL के लिए यूज किया गया है। इसे ये CFL के लिए जा रहे हैं। ये BT136 है और ये डायक है DB3। ये 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये 560 किलो ओम का रजिस्टर है। ये 2.2 मेगा ओम का रजिस्टर है और ये LDR है। तो आइए इस सर्किट को ऑन करते हैं और देखते हैं इस सर्किट का क्या परफॉर्मेंस है। अभी इस LDR पे लाइट पड़ रहा है, इसलिए ये सर्किट ऑफ है। अगर हम इस LDR को जब कवर करते हैं, मीन्स कि अगर इस पे डार्क डिटेक्ट होता है, तो ये सर्किट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे देखा आपने, जैसे ही मैंने LDR को कवर किया, ये सर्किट ऑन हो गया है और ये CFL ग्लो करने लगा। तो ये एक इस तरह का सर्किट है कि इसमें किसी अलग से हमें DC सोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट 230 वोल्ट AC के किसी भी लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल है, कंपोनेंट काउंट भी इसका लो है, इसलिए आप इसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पहले से अगर नॉलेज नहीं है तो कृपया इसको ट्राई ना करें, किसी के सुपरविजन में ही ट्राई करें। इसमें 230 वोल्ट का आइसोलेशन नहीं है, इसलिए इसको बनाते समय हमेशा ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपको शॉक लग सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।